अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आज हम बना रहे हैं चिकन के सीख कबाब। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है चिकन। ये 1 किलो चिकन ले लिया है मैंने, इसका कीमा, और ये 1.5 प्याज है, मीडियम साइज़ की थी तो 1.5 प्याज ले ली है मैंने, और नमक है 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। गरम मसाला है हाफ से भी कम मैंने लिया है क्योंकि काफ़ी तेज़ हो जाता है इसे, और ये है भुना और कुटा ज़ीरा, भुना और कुटा धनिया, दोनों 1 1 टीस्पून ले लिए हैं मैंने, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून कुटी मिर्च हाफ टी स्पून ली है मैंने, और ये आधे नींबू का रस है, और ये घी है 2 टेबल स्पून। तो हम ये मिर्चें और प्याज जो है हम ये इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये रेड वाली मिर्च ली है मैंने, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये जो हमारी तीनों चीज़ें जो हैं ग्राइंड हो गई हैं, अब मैं ये सब जो है एक बोल में डालती हूँ। पहले इसमें कीमा डाल देंगे, अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। पहले नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, दोनों तरह की मिर्च, कुटी हुई भी और पिसी हुई मिर्च, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया, कुटा हुआ धनिया और कुटा ज़ीरा, ड्राई रोस्ट कर लिया था मैंने दोनों चीज़ों को, और यह है आधे नींबू का रस। और यह है घी 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, इससे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे चर्बी से, क्योंकि बिल्कुल खुश्क होता है ना इसका कीमा, चिकन का चर्बी ज़रूरी है, उसी से सॉफ्टनेस आएगी। और प्याज से तो अब हम इसे मिक्स कर ले अच्छे से। हम इसमें थोड़ी स्मोक दे देते हैं, ये मैंने एलुमिनियम फॉइल की छोटी सी कटोरी से बना ली है, इसके बीच में रख देते हैं। ये हमने इसमें रख दिया है, थोड़ी देर स्मोक हो जाए 5 मिनट,
फिर हम इसे दिखाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास स्कीवर्स हैं, तो ये मैंने 4 स्कीवर्स मिला के टेप लगा लिए। और अब मैं ये एल्युमिनियम फॉइल से इसके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह इस तरह मैंने चपटी सी, हर एक के पास तो सीख नहीं होती है ना, तो ये मैंने इस तरह ही बना ली है। ये देखिए ये बन गई है। अब मैं इसको इस पर लगाती हूँ कबाब। इसी तरह मैंने सारी बना ली है, ये देखिए मैंने अपनी सारी सीख में बना ली है। और मैं इसको उठाती हूँ, मैंने अभी तक देखें अभी भी है इसमें। मैं आप सीखों पे लगाती जाती हूँ। ये देखें हम इस तरह से ऐसे ऐसे हमारे बनते जा रहे हैं, हम इनको रखते जाएंगे। अब हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। टू टेबल स्पून के करीब अब इसमें हम अपने कबाब रखते जाएंगे। देखिए हमारे एक तरफ से तकरीबन हो गए हैं ये।
बाकी जो है हमने सीखों पे लगा के रख ली हैं, अब हम ये बाद में कर लेंगे, पहले हमने केक बना लिया। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं इसी तरह बना के और फ्रीज कर लें, इस पे से निकाल के कर लें, ऐसे भी कर लें आप अलग अलग करके, और पहले फ्रीज कर लें एक ट्रे में और उसके बाद इसको जिपर बैग में डाल दें। ये देखें हमारे कबाब बन गए हैं, ये बन गए हैं, मैं ये निकाल रही हूँ अब इसमें से। ये हमारे कबाब रेडी हैं, ये हमारे सीख कबाब रेडी हैं, और ये देखा आपने कितनी जल्दी बन गए, ये 10 मिनट में हमारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं और ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं ये कबाब। आप लोग जब भी बनाएंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बहुत जूसी और बहुत अच्छे बनते हैं।